फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल a ओनली content ट्रेड IFMC. अच्छा निफ्टी क्या है अभी? निफ्टी कितना चल रहा है बीस मान लेते हैं hmm. निफ्टी कैसे बनता है मार्केट के शेयर बढ़ने से मार्केट के शेयर बढ़ने से निफ्टी बढ़ता है बहुत बढ़िया जैसे जितने भी बढ़िया उसको चलाते है. अच्छा निफ्टी का प्राइस कैसे बना बीस हजार निफ्टी का प्राइस कैसे बना डालो गूगल पे सब लोग गूगल पे डालो सबके पास गूगल है डालो ईपीएस ऑफ निफ्टी करंट ईपीएस ऑफ निफ्टी कितनी है निफ्टी की ईपीएस कर, कर लेते हैं ना ठीक है अब डालो पी ऑफ निफ्टी जल्दी से निफ्टी की करंट पी क्या है ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फाइव है करंट की बाइस कर लेते हैं अच्छा नहीं आज की बताओ आएगी बिल्कुल मैंने भी यही लिखी थी चलो आ गया अब निफ्टी की जो पीई है वो तेईस है और निफ्टी का जो ईपीएस है वो है नौ सौ नब्बे अब ईपीएस क्या होता है अर्निंग पर शेयर और निफ्टी कोई शेयर तो है नहीं तो अर्निंग तो कंपनियों की होती है तो निफ्टी की अर्निंग कहां से आ गई निफ्टी की अर्निंग ऐसे आ गई कि निफ्टी के अंदर पचास कंपनियां हैं वो पचास कंपनियों की अर्निंग तो होगी उनका एवरेज लगा दिया तो वो निफ्टी की बन गई नहीं बीस हजार रुपये प्राइस आप दे रहे हो बीस हजार रुपये की निफ्टी चल रही है अच्छा हम एग्जैक्टली कर लेते हैं पहले इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से चलो बाईस हजार मान लेते हैं रफली बाईस ठीक है मोटा माटी हमारी जो है ये आप लोगों ने एग्जैक्ट जो ये मैंने अभी उसमें नहीं लिया ये था कितना तेईस ट्वेंटी सेवन पॉइंट कुछ ये था तो रफली जो है वो हमारी निफ्टी इक्कीस हजार के आसपास हमारी निफ्टी चलती है और वो निफ्टी बनती किससे अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो निफ्टी ये बन जाएगा निफ्टी का प्राइस कैसे बना ईपीएस पी इंटू P. P. अब ईपीएस है अर्निंग और पीई e क्या e है पीई है अट्रैक्शन यानी कि नौ रुपए साल में कमाने के लिए आप बाईस हजार रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हो कितने गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो तेईस गुना निफ्टी को का रेट बाईस बाई हजार है आपने एक निफ्टी खरीदी बाईस हजार में और उसकी ईपीएस है नौ यानी कि हर साल उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है रुपए आपको मिलेंगे बाईस हजार रुपए लगा के ठीक है समझ समझ में आया बाईस हजार रुपए लगा के नौ सौ अट्ठासी रुपए आपको मिलेंगे अर्निंग जो है उसकी जिस हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है तो कितने टाइम ज्यादा दे दिया आपने तेईस गुना हम तेईस गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हो रहे हैं निफ्टी पे तो इसको हम बोलते हैं अगर बोलते तो पीई है लेकिन आम भाषा में हम इसको बोलते हैं अट्रैक्शन अट्रैक्शन क्यों तेईस गुना ज्यादा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं क्या हम देख रहे हैं फेड जो है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ाने रोक दिए इसके अलावा हिंदुस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट है इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हिंदुस्तान एक ग्रोथ स्टोरी है, है ना इसके अलावा जब से चाइना डाउन हुआ है सारा का सारा काम कहा आ गया इंडिया पे इंडिया में तो बहुत सारे अट्रैक्शंस इंडिया इंडियन मार्केट में आ गए हैं तो हम तेईस गुना पैसा देने को तैयार अब अगर बाई चांस अभी कुछ बहुत गलत हो जाए गलत यह हो जाए कि चाइना हिंदुस्तान के ऊपर अभी अटैक कर दे तो क्या होगा मार्केट क्यों गिरेगी ईपीएस तो नहीं गिरेगी ईपीएस क्या होती है ईपीएस होती है अर्निंग ऐसा तो है नहीं कि अर्निंग हर तीन महीने महिन, में आएगी जो रिजल्ट आते हैं और चाइना ने आज अटैक करा और ये बाए, ये हजार का रह गया मान लो पंद्रह से, से अट्रैक्शन कम हो गया हमारा मार्केट के लिए अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि चाइना ने अटैक कर दिया पता नहीं अब क्या होगा है ना तो ये पीई जो है अट्रैक्शन है और इसको देखते हुए हम ये बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि पीई बेसिकली मार्केट का थर्मामीटर हम पीई e से ये जज कर लेते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है या बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं है अब ये गर्म और ठंडी कैसे पता लगेगी ये तेईस की पी e ज्यादा है या कम है कैसे पता लगेगी ये लाइन छोटी है या बड़ी है जब तक दूसरी लाइन नहीं आएगी जब तक नहीं पता लगेगा कि ये छोटी है कि बड़ी है अब ये तेईस का पी पी e, e ज्यादा है या कम है कैसे पता लगेगा तो अब मुझे कोई ना कोई कंपेरिजन चाहिए कंपेरिजन किससे करूं कुछ ना कुछ तो चाहिए अब ये बताओ हिंदुस्तान के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक आम आदमी कहाँ करता है तो 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 ये मैडम को स्टॉक मार्केट नहीं आती है लेकिन इनके पास एफ डी होगी है ना है। क्योंकि ज्यादातर लोग एफ को ही विश्वास करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिनको स्टॉक मार्केट में नहीं आना रहा एफडी पे क्या रिटर्न आ रहा है बेटा बताओ आजकल आठ रुपए आ रहे हैं मतलब अगर मैं सौ रुपए लगाता हूं अगर मैं सौ रुपए की एफडी करा दूं अच्छा सौ रुपए की अगर मैं एफडी करा दूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा यानी कि प्राइस कितना हुआ भाई सौ रुपए खर्च रहा हूं ना और ईपीएस कितना आ रहा है आठ तो क्या बना फिर प्राइस इक्वल टू अर्निंग इन टू पीई प्राइस सौ रुपए अर्निंग कितनी है आठ रुपए पी निकालो जल्दी से साढ़े बारह तेरह कर लेते हैं समझ में आया अब बैंक की एफ डी की पीई -E कितनी है तेरह यानी कि सौ रुपए लगा रहा हूं आठ रुपए कमाने के लिए और कितने गुना देने को तैयार हूं तेरह गुना बैंक की एफ डी में तेरह गुना पैसा देने को तैयार हूं मुझे नहीं पता है आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है लेकिन अब बैंक की एफ डी की पी -E कितनी है तेरह यानी कि बै... अगर बैंक की एफ डी की पीई -E तेरह है और स्टॉक मार्केट की पीई -E कितनी है तो इसका मतलब पता लग गया कि स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज्यादा है और एफ का कम है अब स्टॉक मार्केट का ज्यादा क्यों है स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज्यादा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट बैंक से ज्यादा कमाएंगे कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर कंपनियां होंगी पचास ये कंपनियां लोन किससे लेंगी बैंक से बैंक एफ का पैसा इनको देगा एक आम आदमी मैडम ने एफडी कराई आठ परसेंट पे मैडम से पैसा लिया एक लाख रुपया आठ परसेंट पे और रिलायंस इंडस्ट्री को दे दिया बारह परसेंट पे दिया ना और रिलायंस बारह परसेंट पे क्यों लेगा क्योंकि वो अट्ठारह से बीस परसेंट कमाएगा अगर अट्ठारह से बीस परसेंट नहीं कमाएगा तो बारह परसेंट कहां से पे करेगा और अगर वो अट्ठारह से बीस परसेंट कमाएगा तो इसका मतलब कमाई कहां ज्यादा आएगी रिलायंस में या बैंक की एफडी में तो इसीलिए उसका आकर्षण ज्यादा है रिलायंस का आकर्षण ज्यादा इसका मतलब स्टॉक मार्केट का आकर्षण ज्यादा इसका मतलब निफ्टी का आकर्षण ज्यादा है क्योंकि निफ्टी के अंदर पचास स्टॉक्स हैं तो इसीलिए निफ्टी की पीई e. तेईस है और बैंक की एफ की तेईस अब मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट बहुत महंगा है या सस्ता है कंपेरिजन मिल गया क्या जो निफ्टी का है वो पीई e. है तेईस और बैंक की मोटे तौर पर कितनी है तेरह तो ये जितना इसके क्लोज होगा उतना मार्केट सस्ता है यह जितना इससे दूर होगा उतना मार्केट बहुत महंगा है और यह अगर इसके नीचे चला गया बारह ही रह गया निफ्टी तो मार्केट बहुत सस्ता है ठीक लेकिन अभी इसके अंदर कुछ बात और भी है इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते घटते रहते हैं यह आज पीई रेशो तेरह है लेकिन आज से दो साल पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पांच ही आ गया था याद है पांच का था एफडी का ब्याज ठीक है अब जरा घटाओ कितनी अब कितनी हो गई पी बीस इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट गर, गिरते हैं ये इंटरेस्ट रेट गिर गए तो पीई बढ़ जाता है जब इसीलिए क्या होता है जैसे ही फेड क्या करता है जब इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मार्केट बढ़ जाती है होता है ना ये यही रीजन है इंटरेस्ट रेट कट हुआ पीई बढ़ गई क्यों क्योंकि आकर्षण बढ़ गया आकर्षण क्यों बढ़ गया क्योंकि कंपनियों को सस्ता लोन मिलेगा कंपनियों की प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्लियर अब आजकल मार्केट क्यों पीछे गिर रहा था कि फेड क्या कर रहा था हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मार्केट नीचे आया था पीछे और उसके बाद अब फेड ने कह दिया कि नहीं उनके जो इकोनॉमिकल डाटा आया वो सब बढ़िया आने लगा तो उन्होंने कहा नहीं अभी चांसेस नहीं हैं तो मार्केट ने आई होप मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और कोई डाउट होगा तो अतुल सर हैं और आप लोगों की कोई भी जो डाउट्स होंगे वो अतुल सर यहाँ पर होंगे बीच बीच में, में मेरा जब भी मौका लगेगा मैं आऊँगा थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए जनकपुरी वेस्ट yes. दिल्ली पूरा कैटर करेगा जनकपुरी आई एफ और जो जो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे वो आते थे कि सर लाजपत नगर आना प्रॉब्लम है या पीतमपुरा भी प्रॉब्लम है तो ये ब्रांच आप लोगों को कैटर करेगी वेस्ट दिल्ली के लिए तो और बेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ पर मोहित सर भी होंगे और अतुल सर होंगे और बीच बीच में जब मेरा कोई सेशन होगा तो मेरे को बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या हमारे क्लासरूम कोर्सेज़ में हैं उनके लिए टास्क तैयारी अगले सप्ताह का ये जो हम एपिसोड देते हैं हर संडे को इसका पंद्रह मिनट का एपिसोड होता है जिसमें हम यू के हिसाब से मेड के हिसाब से मार्केट एनालिसिस बाय डा डेटा एंड इवेंट और साथ में जो यू के हिसाब से कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या फोरकास्ट होगा तो बेसिकली कि स्टूडेंट का और हमारा जो सिंक है वो लगभग लग लग एक जैसा हो ताकि अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यार ये तो हमको नहीं समझ में आया तो आप फौरन अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो कि सर ये तो सर ने ऐसा बताया तो ऐसा क्यों बताया ठीक है तो अगर आपका कोर्स जब खत्म भी हो जाता है तो भी आप हर संडे पंद्रह मिनट अगर आप इसको देख लेते हो तो नेक्स्ट वीक के लिए आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाते हो टेक्निकली और न्यूज़ और डेटा के लिहाज से भी स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए ये सवाल आपको परेशान करते हैं तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आई की यूनिटियस स्ट्रैटेजीज से यूनिटियस यानी यूनि ट्रेड स्ट्रेटजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री सभी इंटरवल्स पे काम करती है चाहे वो इंट्राडे हो पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो मेरे छब्बे सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट राइट एंड IFMC एफ एम सी इज अनचैलेंज लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन ifmc is now a school of 10 million learners awarded twice by delhi city icon awards so let's begin udt's online course by ifmc